देखिए ये फाइव स्टार है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 104 यूनिट, 104 यूनिट्स का आपका पीछे का भाग हो गया। इसमें देखिए कंडेंसर जो रहता है इस रेफ्रिजरेटर में बाहर से रहता है, कंडेंसर बाहर होने का कारण देखिए इसका फायदा भी है तो इसका नुकसान। वेलकम टू माय टू चैनल, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज गोदरेज का एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में हम बताने वाले हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन आ चुका है तो सभी के घर में एक अच्छा रेफ्रिजरेटर का भी जरूरत होगा। तो आज हम जो है गोदरेज का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर उसके बारे में हम आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिससे आप अपने लिए एक चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट परचेस कर सकें। और ये जो फ्रीजर आपको मिलता है इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है सारा चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करें उसके बारे में आप सही जानकारी ले लीजिए। और चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है, और देखिए ये आपको गोदरेज का फाइव स्टार रेफ्रिजरेटर, वो भी आपको सिंगल डोर में प्लस स्टैंड बेस रेफ्रिजरेटर है। तो चलिए इस गर्मी के सीजन में अगर आपको एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस करना है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। और फ्रेंड्स ये फाइव स्टार के साथ आपको चीपेस्ट प्राइस में आप इसे परचेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस जो है बहुत ही बेस्ट है, सभी के बजट में ये रेफ्रिजरेटर आपको आ जाएगा, वो भी फाइव स्टार रेफ्रिजरेटर। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल का बस एक ही लक्ष्य है कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करें उससे पहले जो है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी हो, जिससे आप अपने लिए चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट ही परचेस करें, अपना पैसा सही प्रोडक्ट पर ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए इसके बारे में फटाफट हम आपको जानकारी देते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उसके बाद जो है आपके लिए ये कैसा रेफ्रिजरेटर है वो तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हम देखिए फ्रेंड्स, ये रेफ्रिजरेटर जो है सिंगल डोर के साथ, वो भी आपको डॉल स्टैंड बेस, आपको अलग से मार्केट में जाके स्टैंड भी परचेस नहीं करना पड़ेगा। और ये गोदरेज का फाइव स्टार रेटेड है, तो जिन दोस्तों को स्टार रेटिंग के बारे में पता है उनके लिए बहुत अच्छा, और जिनको नहीं पता है तो हम किस लिए हैं हम उनको बताते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर लीजिए, एसी लीजिए, वन स्टार से लेकर फाइव स्टार रेटिंग तक आपको आता है। आपको बिजली कंजम्पशन, आपको एनर्जी कंजम्पशन अगर फाइव स्टार लीजिएगा तो सबसे कम एनर्जी खपत करेगा, वही अगर आप वन स्टार लीजिएगा तो सबसे अधिक बिजली खपत करेगा। लेकिन वो कब खपत कम करेगा तो उसके लिए हम आपको एक बता देते हैं, अगर आप इसे कंटिन्यू चलाते हैं तो, लेकिन आप अगर कंटिन्यू नहीं चलाते हैं रेफ्रिजरेटर को तो आपको बिजली जो है खपत कोई खास अंतर नहीं होने वाला है। तो आप अगर थ्री स्टार भी रेफ्रिजरेटर लीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर का, जो 365 दिन कंटिन्यू आप अगर रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो आप फाइव स्टार रेफ्रिजरेटर लीजिए, जिससे आपको बिजली कंजम्पशन कम करेगा। और लेकिन आप जो है इसका यूज बहुत ही कम करते हैं तो आप थ्री स्टार रेफ्रिजरेटर भी लीजिएगा तो आपको फाइव परफॉर्मेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप स्टार रेटिंग के बारे में आप जान लिए, क्योंकि देखिए ये जैसे आपको बता देते हैं ये फाइव स्टार रेटेड है, तो देखिए ये फाइव स्टार है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 104 यूनिट, 104 यूनिट्स पर ईयर, यूनिट्स पर ईयर देखिए लिखा हुआ है, 365 दिन कंटिन्यू चलाने पर ये आपको 104 यूनिट लेगा। वही देखिए ये वन स्टार रेफ्रिजरेटर है, वो भी हम आपको देखिए वन स्टार है 250 यूनिट, तो आपको टोटल देखिए कितना का अंतर हो रहा है, 146 यूनिट, वो भी कंटिन्यू चलाने पर। तो वन स्टार और फाइव स्टार में देख लीजिए 146, 150 यूनिट का जो है अंतर हो जाता है बिजली कंजम्पशन का, जो कि बहुत ही मायने रखता है। 6 रुपया किसी का, 7 रुपया है किसी शहर में, 8 रुपया है
तो बिजली जो है खपत जितना कम करे उतना आपके लिए बेस्ट है, उतना आपके बजट में फिट हो जाएगा कोई भी रेफ्रिजरेटर। तो ये तो देख लिया आप स्टार रेटिंग के बारे में। अब फ्रेंड्स दूसरा नंबर में जाइएगा तो आपके पास सिटी देखिएगा कि आपको किस स्टोरेज का रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो ये देखिए रेफ्रिजरेटर जो है आपको अगर 3 से 4 मेंबर हैं तो उसके लिए बहुत ही स्टोरेज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए अप्रायंस ब्रांड गोदरेज का है, मॉडल देखिए ये मॉडल लिखा हुआ है, इसे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। टाइप डायरेक्ट कूल, ये रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल होता है क्योंकि इसमें जो है बर्फ अंदर जम जाता है और आपको इसमें डिफोर्स बटन दिया रहता है, आपको डिफोर्स करना पड़ता है। लेकिन डबल डोर लीजिएगा तो उसमें आपको डिफोर्स करना नहीं पड़ता है, वो ऑटो डिफोर्स रहता है। तो इसीलिए आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर लीजिएगा तो उसमें लिखा रहेगा फॉरेस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, लेकिन इसमें जो है आपको नहीं लिखा रहेगा, इसमें रहेगा डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। तो ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जितना भी आता है 90% आपको डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर रहता है। देखिए ग्रॉस वॉल्यूम 190 लीटर, तो आपको ग्रॉस कभी भी नहीं देखना है। अगर आप रेफ्रिजरेटर परचेस कीजिएगा तो ग्रॉस कभी भी मत देखना, सिर्फ स्टोरेज वॉल्यूम देखिए 182 लीटर, 182 लीटर जो है आप इसमें स्टोरेज कर सकते हैं इस रेफ्रिजरेटर को परचेस करने के बाद। तो 3 से 4 मेंबर हैं अगर आपके घर में तो ये रेफ्रिजरेटर आपके लिए बहुत इनफ है, ये स्टोरेज आपके लिए इनफ है, वो भी 5-स्टार रेटेड के साथ। तो इसे आप जरूर परचेस कर सकते हैं, अगर उससे अधिक है तो इससे थोड़ा बड़ा साइज में रेफ्रिजरेटर आप परचेस कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप नीचे आइएगा तो 10 ईयर वारंटी ऑन इन्वर्टर कंप्रेसर। देखिए कंप्रेसर दो टाइप का होता है, एक होता है इन्वर्टर कंप्रेसर, एक होता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है वो वेरिएबल स्पीड पर काम करता है। आप बोलिएगा वेरिएबल स्पीड क्या है, तो उसके लिए एक हम अलग वीडियो बना देंगे इन्वर्टर पर कि इन्वर्टर होता कितने प्रकार का है, इन्वर्टर है क्या चीज़, ठीक है। तो एक होता है नॉन इन्वर्टर, एक होता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर वेरिएबल स्पीड पर काम करता है, वर्क करता है, और नॉन इन्वर्टर जो होता है वो फिक्स स्पीड पर जो है वर्क करता है। अभी आप और शॉर्टकट जान लीजिए, ये जो आपको मिलता है इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ मिलता है। इन्वर्टर कंप्रेसर जो है आपको बिजली सबसे कम खपत करता है, और ये डीसी पर ऑपरेट होता है इन्वर्टर कंप्रेसर, जिसके कारण आपको बिजली भी कम खपत करेगा, और ये आपको इन्वर्टर जो होता है साउंड लेस होता है, साउंड बहुत ही कम करेगा इन्वर्टर कंप्रेसर जो है। कंपनी आपको 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर दे रहा है, और 1 ईयर जो है कंप्रहेंसिव वारंटी देता है कंपनी, 1 ईयर ऑल प्रोडक्ट वारंटी देता है, अगर आपका टूटे फूटे नहीं तो, ठीक है। 1 ईयर ऑल प्रोडक्ट, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपके घर पे जाके सर्विस दे देगा। अब फ्रेंड्स इसे परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए वो हम अपना लास्ट ओपिनियन आपको जरूर देंगे, तो वीडियो पर आप पूरा जरूर बने रहिएगा। इनबिल्ट स्टेपलाइजर, इसमें आपको स्टेपलाइजर अलग से जो है नहीं लगाना पड़ेगा। ऑपरे देखिए 110 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक इसमें आपको स्टेपलाइजर नहीं लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स लगभग आप बाहर भारत के जिस भी शहर में रहते हैं तो आपको 110 वोल्ट प्लस ही मिलेगा, इसीलिए आपको स्टेपलाइजर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर इस रेफ्रिजरेटर को परचेस करते हैं तो। अब बिजली भी हम आपको बता दिए बहुत ही कम खपत करेगा, और ये देखिए कलर देख लीजिए, इसमें आपको हैंडल डिजाइनिंग भी दिया जाता है, और लॉक का अगर आपको लॉक अनलॉक करना है तो देखिए ऊपर में यहाँ पे लॉक अनलॉक का भी आपको ऑप्शन दे देता है। ये आगे जो है प्लास्टिक बॉडी मिलता है, और ये भी आपको प्लास्टिक है, और ये नीचे से ये साइड से आपको मेटल बॉडी मिलता है। यहाँ देख लीजिए अंदर का इंटरनल इसका देख लीजिए आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा एक ही लक्ष्य है आपको पूरा जानकारी दे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जिसके बाद जो है आप परचेस करें और एक चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट ही अपने लिए परचेस करें, बस हमारा यही कहना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और देखिए अगर इसका जो है टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है तो ये थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगा, ये देखिए आप यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कीजिएगा, अगर यहाँ देता तो इससे बेटर रहता है, लेकिन आप यहाँ से इसको कंट्रोल करना है। ये देखिए ये आपका मैक्सिमम हो गया, टोटल फुल पावर पर आप यहाँ से कूलिंग ले सकते हैं, इसको आप जो है यहाँ से अपने उपयोग के अनुसार इसे आप कम कर सकते हैं, जैसा मौसम है उस मौसम के अनुसार आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हैं। आप देखिए ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये भी एक बटन है, जिनको जानकारी है तो अच्छा, जिनको जानकारी नहीं है तो हम आपके लिए हैं। तो देखिए इसे डिफोर्स बटन कहा जाता है, ठीक है, जो कि हम आपको बताए थे डबल डोर में डिफोर्स बटन नहीं होता है, वो ऑटो डिफोर्स होता है, और इसमें आपको डिफोर्स करना पड़ता है। पूछिएगा डिफोर्स क्यों करना पड़ता है, इसका उपयोग कब होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा।
देखिए ये आपका रेफ्रिजरेटर का नीचे का हो जाता है वेजिटेबल बॉक्स, इसमें आपको जो है 14 दिन तक बिल्कुल आपका वेजिटेबल जो है ताज़ा फ्रेश बना रहेगा। ऊपर आएगा तो ये आपको टफन गिलास है, इस पर आप 120 केजी तक वेट दे सकते हैं। ये आपका टफन गिलास फूटने वाला नहीं है, 120 केजी तक आप इस पर स्टोरेज कर सकते हैं। देखिए ये हम बाहर निकाल लेते हैं, देखिए ये जो है आपको इसमें ड्रॉल स्टैंड नहीं दिया जाता है, ठीक है, बस एक स्टैंड दिया जाता है जो कि बेस्ट हमको नहीं लगा। अगर ड्रॉल स्टैंड रहता ठीक रहता, आप आलू प्याज भी इसके नीचे स्टोर कर सकते हैं। बस इसको जो है इस पर से आपको उतार लेना है फ्रिज को बाहर निकाल के, इसको इसमें लगा देना है तो आपका ड्रॉल ये स्टैंड बन जाएगा। तो इसमें आपको ड्रॉल स्टैंड नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। और वेजिटेबल बॉक्स ये टफन ग्लास यहाँ ऊपर आइएगा तो दो आपको, एक आपको हाई चिल चैम्बर दे दिया गया है, इसमें जो है चिकन उकन जो है स्टोरेज कर सकते हैं, जिससे आपका बिल्कुल चिकन जो है ताज़ा बना रहेगा, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ऊपर आइएगा तो यहाँ पे आपको फ्रीज़र बॉक्स दे दिया गया है, इसमें आपको बर्फ़ बनाने के लिए या आइसक्रीम बनाना हो तो ऊपर आप रख सकते हैं, आपको जो है ये 120 मिनट में बर्फ़ बना के दे देगा ये रेफ्रिजरेटर। इसमें आप जो है छोटा आइस क्यूब बना सकते हैं, छोटा छोटा आइस क्यूब बनाना हो तो इसमें पानी डाल के इसमें डाल दीजिएगा तो 120 मिनट में आपको जो है ये बर्फ़ बना के डाल देगा दे देगा और एक घंटा में जो है आपका पानी जो है ठंडा कर देगा पूरा ये रेफ्रिजरेटर। छोटा छोटा साइज़ का पानी का बोतल रख सकते हैं, नीचे बड़ा साइज़ का रख सकते हैं, तो अपने उपयोग के अनुसार आपको जैसे इसमें जो स्टोर करना है कर सकते हैं। यहाँ पे इसका चाबी दिया है लॉक अनलॉक करने के लिए, तो ये भी आप ये रेफ्रिजरेटर का आपका पीछे का भाग हो गया। इसमें देखिए कंडेंसर जो रहता है इस रेफ्रिजरेटर में बाहर से रहता है, कंडेंसर बाहर होने का कारण देखिए इसका फ़ायदा भी है तो इसका नुकसान भी है, हम आपको दोनों बताएंगे क्योंकि हम बता रहे हैं आपको पूरा फुल जानकारी हो जाए रेफ्रिजरेटर के बारे में, जिससे आप अपने लिए एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस कर सकें। देखिए अगर इस रेफ्रिजरेटर पर आपको डस्ट हो, अगर इस ये जो आप देख रहे हैं ये पाइप रहता है, अगर इसमें थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो आपका जो है गैस लीकेज हो जाएगा। कंपनी गैस लीकेज का वारंटी नहीं देता है, अगर गैस लीकेज हो जाएगा तो कंपनी जो है कंप्रेसर में से गैस लीकेज हुआ तो आपका फ्रिज जो है कूलिंग नहीं करेगा, लेकिन तो आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। ये इसमें माइनस पॉइंट है क्योंकि इसमें जंग लगने कारण डस्ट जमा हो जाता है जिसके कारण ये लीकेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो फ़ायदा क्या है, आपका रेफ्रिजरेटर जो है ना हीटिंग बहुत ही कम करता है क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर आपका पीछे में ये पीछे में दिया रहता है तो ये हीट होगा, लेकिन आपका रेफ्रिजरेटर जो है थोड़ा सा भी हीट नहीं होता है, तो ये इसमें प्लस पॉइंट है। मान लीजिए अगर इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी हो इसे आप बाहर से ही चेंज कर सकते हैं, बहुत ही कम रुपये में जो है इसे चेंज करवा सकते हैं अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो। लेकिन वही जो है मान लीजिए बहुत सारा ऐसा ब्रांड है जो पैकेज बनाता है जो कि इस साइड से कंडेंसर पैक कर देता है दोनों साइड, जिसके कारण अगर आप पावर सप्लाई दीजिएगा तो आपका ये अगर इसे यहाँ टच कीजिएगा तो बहुत ही अधिक गर्म होता है जो कि आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है, लेकिन अगर जो पैकेज रहता है उसमें अगर वो गर्म होता है मान लीजिए उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपको जो है उसे बनवाने से अच्छा जितना उसे आप रिपेयर करवाइएगा उतना आप रेफ्रिजरेटर नया परचेस कर लीजिएगा। तो ये इसमें प्लस पॉइंट है कि अगर इसको आपको रिपेयर करवाना है तो बहुत ही कम रुपए में बहुत ही कम पैसे में आप इसे रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है बहुत ही कॉस्टली आ जाता है, लेकिन वो पैकेज रह जाता है और ये आपको बाहर से रहता है। तो दोनों में प्लस है, प्लस ये है कि ये आपको हीट नहीं करेगा, इसे चेंज करवाना आसान है, और वही ये पैकेज दिया रहता तो आपको वो हीट करेगा साइड से बहुत ही गर्म होगा, लेकिन उसको जो है अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको आप रिपेयर कराने से अच्छा एक नया रेफ्रिजरेटर ले लीजिए। तो दोनों में फ़ायदा है, तो हमारे हिसाब से तो आपको यही रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहिए क्योंकि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो आप इसे आसानी से रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन जो पैकेज मिलता है उसे आप रिपेयर करवा नहीं सकते हैं, रिपेयर करवाने में आपको बहुत ही अधिक पैसा खर्च होने वाला है बहुत। तो दोनों आप देख लीजिए आपके लिए जो बेस्ट है वो आप लीजिए। इसके नीचे देख लीजिए ये आपका कंप्रेसर रहा, इसी का हम बोले हैं 10 ईयर वारंटी आपको कंप्रेसर का देता है। अगर रेफ्रिजरेटर का देखा जाए तो सबसे मेन पार्ट जो होता है कंप्रेसर, यही इसी का काम है पूरा रेफ्रिजरेटर को कूलिंग करना। और अगर देखा जाए तो ये एक डब्बा होता है, ठीक है, जिसमें आप स्टोर करते हैं, ये बस एक डब्बे के डब्बा मान लीजिए आप। रेफ्रिजरेटर का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कंप्रेसर, वही आपके रेफ्रिजरेटर को पूरा कूलिंग करता है। तो फ्रेंड्स
इसके बारे में सभी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। इसमें एक एलईडी लाइट भी दिया गया है और बता दिया आपको कूलिंग ऊपर से यहाँ पे कंट्रोल करना। ये जो थोड़ा जो है हमको अच्छा नहीं लगा। अब फ्रेंड्स चलिए इसके प्राइस के बारे में बात कर लें। तो रेफ्रिजरेटर, इस रेफ्रिजरेटर को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मात्र 17,500 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हैं। कितना? 17,500 रुपये में आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेस कर सकते हैं और आपको 10 ईयर वारंटी भी मिलेगा। अब फ्रेंड्स इसका प्रोज एंड कॉन्स का बात करें तो देखिए ये रेफ्रिजरेटर 5 स्टार रेटेड है और इस प्राइस रेट में बहुत ही अच्छा ये रेफ्रिजरेटर है। इसे आप परचेस भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन चाहें या ऑफलाइन चाहें दोनों पर आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसका एक चीज़ आपको बता देते हैं, कोई भी रेफ्रिजरेटर परचेस करें, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करें, आप परचेस करने से पहले देखिए उसका वारंटी मिलता है, लेकिन वारंटी में हमको सर्विस भी तो मिलना चाहिए। अगर आपको सर्विस नहीं देता है तो आपको जो है वारंटी का कोई जो है फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, कोई वारंटी का आप लुप्त नहीं उठा सकते हैं। तो ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे आपके एरिया में जो है इसका सर्विस सेंटर है या नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट में गोदरेज का सर्विस सेंटर है या नहीं है। अगर सर्विस सेंटर है उसके बाद आप बिल्कुल ये परचेस कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेटर आपको 5 स्टार रेटेड होने वाला है। अगर इसका सर्विस सेंटर नहीं है तो आप दूसरा ब्रांड में जा सकते हैं। अगर इसका सर्विस सेंटर है तो आप बिल्कुल इसे परचेस कर सकते हैं। वैसे गोदरेज का ऑल ओवर इंडिया में आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा, वैसे आप इसे परचेस करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें, गूगल पर सर्च कर लें या टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके जो है पता लगा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि आपके एरिया में इसका सर्विस सेंटर है या नहीं। और वैसा कोई कौन सा है नहीं बताने लायक। और एक हम आपको बता दिए थे इसमें जो है ड्रॉल स्टैंड देता तो अच्छा रहता, तो ये ड्रॉल स्टैंड कंपनी नहीं दिया है। और लुकिंग वाइज ये सारा कलर वाइज बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेटर आपको है। चलिए फ्रेंड्स इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है कमेंट करें, 24 आवर्स के अंदर जो है उसका हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अब मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ और इससे भी बेस्ट प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं लाने का। अब फ्रेंड्स अगला वीडियो में जो है हमारा एक कूलर का वीडियो आने वाला है, जो कि आप सभी को एक गर्मी के सीज़न में एक कूलर का जरूर जरूरत होगा। आप जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर